हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजू एडिट्स माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम कुछ इस टाइप की एनिमल लवर्स फोटो एडिटिंग करेंगे, जो कि आप इस फोटो एडिटिंग को देख सकते हो। इसमें जितने भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी का इस्तेमाल हुआ है वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए बिना लेट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को ओपन कर लेना है पिक्सार्ट ऐप और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एडिट अ फोटो पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद अपना बैकग्राउंड को चूज कर लेना है। जैसे कि मैं अपना मेन बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ और चूज करने के बाद सिंपली आप लोगों को आ जाना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे आने के बाद आप लोगों का एक स्विंग का फोटो मिल जाएगा, स्विंग का पीएनजी आप लोगों को मिल जाएगा, उसको ऐड कर लेना है और ऐड करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है एक जगह पे, जैसे कि मैं सेट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको डन कर देना है और फिर दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करना है और उसके बाद अपने मॉडल की पीएनजी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो देख लेना। तो इसको करते हैं सेट। तो सेट कर लिया, फिर आपको एक प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके ऐड अ फोटो पे क्लिक कर देना है और फिर कुछ आपको इस तरह का ब्लैंक बैकग्राउंड दिख जाएगा, उसको ऐड कर लेना है और फिर इसको अपने स्विंग के पास ले आना है और फिर आपको क्लिक करना है इधर इरेजर वाले ऑप्शन पे और इसको इन्वर्ट कर देना है और फिर रिस्टोर पे क्लिक करके इसकी हार्डनेस को कुछ इतना रखना है और साइज को कुछ इतना। फिर आपको ब्रश करना स्टार्ट कर देना है, जैसे कि मैं ऐसा ब्रश कर रहा हूँ, कुछ आपको इसी तरह ब्रश करना है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको डन कर देना है और फिर इसकी ओपेसिटी को कुछ रख देना है 60% और फिर इस वाले लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके को मूव डाउन कर देना है। मूव डाउन हो गया, फिर इसकी ओपेसिटी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करना है और फिर कुछ आप लोगों को एलिफेंट का पीएनजी मिल जाएगा, उसको ऐड कर लेना है और उसको अच्छे से नीचे की ओर आपको सेट कर देना है कुछ इस तरीके से और फिर डन कर देना है। फिर दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करना और फिर आपकी जिराफ की पीएनजी मिल जाएगी, जिराफ की पीएनजी को ऐड करना है और इसको फुल बैकग्राउंड कर देना, फिर डन कर देना एंड फिर ऐड फोटो। ऐड फोटो पे आने के बाद कुछ आपको मिल जाएगा पैरट का पीएनजी, इसको ऐड कर लेना और फिर इसको यहाँ से देखते हैं भाई, ये एक ऑप्शन दिख रहा है फ्लिप रोटेट, फ्लिप रोटेट करके इसको इस तरह से पलट देना है और इसको छोटा करके एक तरह सेट कर देना है। फिर इसको भी करते हैं डन एंड जस्ट फिर ऐड फोटो पे क्लिक करना है
और फिर आपको मिल जाएगा टेडी बियर का पेंजी, इसको भी ऐड कर लेना है और इसको फुल बैकग्राउंड कर देना है, फिर नीचे की ओर सेट कर देना है इसको कुछ इस तरीके से, और फिर इधर से डन कर देना। फिर आपको आ जाना है ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल पे आने के बाद यहाँ थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सेव इमेज वाले ऑप्शन पे करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। फिर आपको आ जाना है लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप ओपन करने के बाद ऑल फोटोज पे क्लिक करना है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड जस्ट जो मैंने प्रीसेट आपको दिया था वो प्रीसेट को डाउनलोड करना है। और इसमें ऐड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इधर थ्री डॉट कॉर्नर में दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और JPG और PNG और वीडियोज को हटा देना है। फिर आप पहुँचेगा रो, इस पर क्लिक करके रहने देना है। फिर ये प्रीसेट आपको आ जाएगा फाइल में, फिर इसको ऐड कर लेना है। फिर प्रीसेट ऐड हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तब तक के लिए वेट करो आप लोग। तो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रीसेट आ गया, तो इस प्रीसेट पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ थ्री डॉट का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और कॉपी सेटिंग का ऑप्शन एक दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है और राइट पे क्लिक कर देना। फिर बैक आ जाना है अपने उस फ़ोटो पे जिसको आप अभी एडिट किए थे। उस फ़ोटो पे आने के बाद दोबारा से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और फिर अब की बार करना है पेस्ट अ सेटिंग। पेस्ट अ सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ये रहा बिफोर, ये आफ्टर, ए बिफोर ए आफ्टर। एक क्लिक में आपका फ़ोटो रिटच हो गया। फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अपने फ़ोटो को सेव टू डिवाइस कर लेते हैं। सेव टू डिवाइस करके अपने फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया और अगर ज़रा सा भी दिक्कत है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा।